हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीडिया सेंटर। असम टीचर रिक्रूटमेंट 2020 एलपी एंड यूपी, ये नए नोटिफिकेशन दिया गया है। इसका जो टोटल पोस्ट है वो 3753 असिस्टेंट टीचर एलपी एंड यूपी में वैकेंसी दिया गया है। ये जो अप्लाई है वो सर्वशिक्षा अभियान मिशन यानी कि एसएसए के अंदर दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3753, लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। अपर में सोशल साइंस एंड मैथ एंड साइंस, ये जो टीचर है ये लिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। सीटेट वाले कर सकते हैं या नहीं, इसका भी रिगार्डिंग आपको जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। और कैसे आपको ये अप्लाई करना है, किन लोगों के लिए ये अप्लाई लाभदायी होगा, ये पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए आप कमेंट में कर सकते हैं कमेंट, तो रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ये जो टोटल पोस्ट है ये सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये न्यूली अप्लाई है। तो इसका जो टोटल आपको जो स्टार्टिंग डेट है ये 27 तारीख से सुबह 10 बजे से आप ये अप्लाई कर पाएंगे, और इसका जो लास्ट डेट है ये मिडनाइट 11/10/2020 यानी कि 11 अक्टूबर तक आपको ये अप्लाई करने का वक्त दिया गया है। आपको ये शॉर्ट में समझा देते हैं डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लगेगा और किन लोगों के लिए ये अप्लाई लाभदायी होगा। मेरे माने तो ये फ्रेशली जो न्यूली 2019 के रिजल्ट दिए गए हैं टेट पास आउट के लिए, असम टेट पास आउट के लिए, इन लोगों के लिए ये लाभदायी होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। और आप सभी पिछले जो परमानेंट पोस्ट था वहाँ पे आप होंगे, लेकिन देखिए एक बात आप समझ लीजिए, जो परमानेंट पोस्ट है वहाँ पे 2014 में जिन लोग अप्लाई कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं उन लोगों से आप लोगों का कॉन्टेस्ट है, उन लोगों का जो मार्क है वो बहुत ज़्यादा है, और उन लोग जॉब कर रहे हैं उसके पास उन लोगों का मार्क जो है वो ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि इसलिए आपको वही पे तो 2019 जो है, अगर आप प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट है वहाँ पे अप्लाई कर चुके होंगे तो आप लोगों के लिए ये अप्लाई लाभदायी होगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो लोग जॉब कर रहे हैं वो फिर से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब में नहीं करेंगे। और आपके लिए यही लाभदायी है कि अगर ये लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो वैकेंसी जहाँ पर है वो वैकेंसी अभी वहाँ पर ही रहेगा। तो अगर आप अप्लाई करवा, अगर आप फ्रेशली है 2019 में टेट पास आउट है तो आप ये अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्टेस्ट सिर्फ आप लोगों के ही बीच रहेगा, तो आपको मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। हालांकि पिछला जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें आपको अपने से कॉन्टेस्ट तो है, 2019 के जितने भी पास आउट है उन लोगों से भी कॉन्टेस्ट है, और जो एक्सपीरियंस जो अभी जॉब कर रहे हैं उन लोगों से भी कॉन्टेस्ट है। तो मैं यही आपको बताऊंगा कि आप अगर इस अप्लाई करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो एक्सपीरियंस अभी जॉब कर रहे हैं वो दोबारा ये कॉन्ट्रेक्चुअल में जॉब नहीं करेंगे। और एक बात कि इसका जो वैकेंसी है डेट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है वो दे दिया गया है, ये आपको अभी मैं शो करवाता हूँ। जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं ssa.assam.government.in, इस वेबसाइट में जाकर आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलेगा विथ कास्ट वाइज मिलेगा। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसी डिस्ट्रिक्ट में आप चूज़ करके अप्लाई कर पाएंगे। तो ये कुछ आंकड़े हैं आपके सामने एसएससी में, एसएससी यानी कि सर्वशिक्षा अभियान, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। असिस्टेंट टीचर एलपी में आपको टोटल पोस्ट दिया गया है 2966, यहाँ पे अनरिजर्व के लिए है 332, ईडब्ल्यूएस यानी कि
इकोनॉमिकली वीक जो है उन लोगों के पास सर्टिफिकेट है, वो जनरल में आते हैं, तो उन लोगों के लिए पोस्ट 371 दिया गया है। एससी के लिए 144, एसटीपी के लिए 899, एसटी हिल्स के लिए 160, OBC/MOBC के लिए 452 और PWT के लिए 108 दिया गया है। असिस्टेंट टीचर यूपी के लिए जो सोशल साइंस है इसके लिए टीचर टोटल 548 दिया गया है। इस पे जनरल का है 37, EWS का है 44, SC के लिए है 70, STP के लिए है 113, ST Hills के लिए 106, OBC/MOBC के लिए 153 और PWD के लिए 21 है। तो सेम टू सेम असिस्टेंट टीचर UP मैथ्स एंड साइंस के लिए पोस्ट टोटल दिया गया है 293, अनरिजर्व के लिए 20, EWS 19, SC के लिए 38, STP के लिए 72, ST Hills के लिए 40, OBC/MOBC के लिए 43, PWT के लिए 7 दिया गया है। यह है टोटल एडवर्टाइजमेंट। तो आप ये ssaasam.gov.in इन वेबसाइट में जाकर आप ये पूरा देख सकते हैं। मेरा ये डिस्प्ले में आपको शो कर रहा हूँ, कास्ट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज टोटल जो पोस्ट है ये करवाएंगे। अब बताते हैं आप ये अप्लाई कैसे करोगे। जब आप सिलेक्ट करोगे, वेबसाइट का आपको मिल गया, वेबसाइट में बता दूँ ssa.assam.gov.in। तो इन वेबसाइट में जब आप जाओगे उसके बाद अप्लाई का लिंक मिलेगा और लिंक में पिछले जो अप्लाई था उसी की तरह इसका जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट ऐसा होगा। LP के लिए आपको चाहिए होगा फ़ोटो सिग्नेचर, उसके बाद एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, एक PDF में 1 MB के नीचे होना चाहिए। आपको चाहिए टेट पास आउट सर्टिफिकेट, आपको चाहिए DLED मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास कास्ट है तो कास्ट देना होगा, अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो इसका आपको स्कैन करके वो PDF में 1 MB के नीचे PDF में आपको डालना होगा। और अप्लाई करते वक्त आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे, इसलिए इसका नोटिफिकेशन पहले दिया गया, उसके बाद ये बाद में दिया गया। बाद में आपको अप्लाई का जो अप्लाई का स्टार्टिंग डेट है वो 27 तारीख दिया गया। पहला ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी का लिस्ट आपको दिया गया। तो गवर्नमेंट का जो नोटिस है वो आप पूरा देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा किसमें क्या चाहिए। और अपर के लिए आपको चाहिए होगा, आपको BEd चाहिए होगा, आपको 12 में पास आउट होना चाहिए 50% के ऊपर, आपको BEd चाहिए होगा, आपको हाई टेट यानी कि हायर सेकेंडरी जो टेट है वो पास आउट करना पड़ेगा। तो जब आप ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगा। पिछला वीडियो में बताया गया था, काफ़ी कमेंट आया था कि जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ क्या होगा वो वगैरह, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, लिखा हुआ ये देखो 20 के नीचे है। पासपोर्ट साइज़ जो है फ़ोटो वो 10 KB से लेकर 40 KB के अंदर होना चाहिए। और जो आपका मोबाइल नंबर दीजिएगा वो वैलिड दीजिएगा, क्योंकि वो मोबाइल पे आपको OTP आएगा। जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 10 KB से लेकर 30 KB के बीच होना चाहिए। और जो स्कैन करेंगे आप तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि वो क्लियर होना चाहिए ताकि वो लोग देख सके प्रॉपरली। और उसके बाद आप दो अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट है दोनों को एक ही PDF में लाइएगा, वो भी 1 MB के नीचे होना चाहिए। तो इस बार क्या हुआ कि सीटेट वाले को अप्लाई करने का मौका नहीं दिया गया। तो सीटेट वाले क्या किया, जो एप्लीकेंट पास आउट है वो लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में जाके केस किया। तो इसका जो कल का एक पेपर है, असमिस पेपर है, वहाँ पे ये दिया गया कि सीटेट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि अभी ये जो है इसका जो कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट ने बताया कि वो लोगों को सुविधा ये देना पड़ेगा। तो आदेश दिया गया गवर्नमेंट को कि सीटेट वाले जो पास आउट किए वो लोग इस पे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये जब 27 तारीख को
ये ओपन होगा अप्लाई का, तो तब बताया जाएगा, तब आपको अप्लाई करते वक्त ही आप देख पाएंगे कि वहाँ पे असम टेट का ऑप्शन आता है या सी टेट का ऑप्शन आता है। और एक मैंडेटरी आप ध्यान देख लीजिए, ये सिर्फ असम वाले ही कर पाएंगे, क्योंकि आपका रेसिडेंट असम होना चाहिए, बाई बर्थ आप असम होना चाहिए, तभी आप ये अप्लाई कर पाएंगे। बाहर का कोई आदमी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, बाहर कोई स्टेट का। अभी ये कल ही का पेपर है, तो कल का पेपर में ये नोटिस दिया गया, और जो एडवर्टाइजमेंट है ये आज ही निकला है, तो लगता तो है कल 27 तारीख आते आते वेबसाइट में कुछ चेंजेस किया जाएगा, और सीटेट वालों को हो सकता है यहाँ पे आपको मिलेगा। और सीटेट वालों के लिए एक खुशखबरी है, तो मैं सेकंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।